हाय, जरा सोचो आपको एक ऐसी ब्लैक होल मिल जाए जिसकी सहायता से आप किसी भी चीज को चुरा सकते हैं। कुछ ऐसी ही चीज मिल जाती है हमारे मूवी के लीड कैरेक्टर चार्ली को। मूवी का नाम है द ब्लैक होल और यह मूवी एक शॉर्ट मूवी है। मूवी की शुरुआत चार्ली नाम के एक ऐसे शख्स के साथ होती है जो कि एक ऑफिस वर्कर है। एक दिन चार्ली अपने नाइट शिफ्ट में अपने ऑफिस में अकेले ही होता है तो हम देखते हैं कि चार्ली प्रिंटर के बटन पर बार बार प्रेस करता है और चार्ली की यह हाव भाव देखकर हम यह समझ जाते हैं कि चार्ली काफी परेशानी में है। शायद चार्ली अपने जॉब से खुश नहीं है। अब चार्ली अपने प्रिंटर पर अपने पैरों से मारता है जिससे कि वह प्रिंटर काम करना चालू कर देता है और उस प्रिंटर से एक पेपर प्रिंट होकर बाहर निकलता है। अब चार्ली उस प्रिंटर को देखकर बहुत ज्यादा हैरान होता है क्योंकि चार्ली उस प्रिंटर में ऐसा कुछ प्रिंट करने को नहीं डाला था। दरअसल उस प्रिंटर मशीन से एक ऐसी पेपर प्रिंट होकर बाहर निकली है जिसके ऊपर एक ब्लैक सर्किल होता है। अब चार्ली को ऐसा लगता है कि शायद प्रिंटर मशीन अपना काम नहीं कर रही है, इसीलिए चार्ली उस पेपर को साइड में रखकर उस प्रिंटर मशीन को देखने लगता है। लेकिन बड़ी अजीब बात यह होती है कि प्रिंटर मशीन बिल्कुल ही ठीक होती है। अब चार्ली और भी ज्यादा परेशान हो जाता है। चार्ली कॉफी पीकर जब कप को वो प्रिंट वाला पेपर पर रखता है तो चार्ली को यह फील होता है कि कप जो कि प्रिंट वाले पेपर से होते हुए प्रिंटर के अंदर चला गया है। यह देख चार्ली बहुत ही ज्यादा सरप्राइज होता है। चार्ली अब डरते हुए उस प्रिंटेड वाले पेपर के अंदर यानी ब्लैक होल के अंदर हाथ डालते हुए उस कप को प्रिंटेड मशीन से बाहर निकालता है। यह देख चार्ली सोच में पड़ जाता है और चार्ली उस ब्लैक होल को ऊपर रखकर अपने हाथ को दोबारा डरते हुए फिर से डालता है और पिछली बार की तरह ही उसका हाथ फिर से दोबारा उस ब्लैक होल के अंदर चला जाता है। अब चार्ली को एक आइडिया आता है। वह सोचता है कि इस ब्लैक होल के द्वारा वह क्या से क्या कर सकता है, मतलब उस प्रिंटेड पेपर के ऊपर जो ब्लैक सर्किल होता है वह एक होल का काम करता है। चार्ली सबसे पहले उस ब्लैक होल को लेकर एक मशीन के लॉकर के पास ले जाता है जिसके बाद वह अपने हाथों को उस ब्लैक होल के द्वारा मशीन के अंदर डालता है और उसमें से कुछ टॉफी निकाल कर खाने लगता है। चार्ली अपने आस पास चारों तरफ देखता है। चार्ली अब सोचता है कि इस ब्लैक होल के द्वारा अब वह क्या करे, लेकिन तभी चार्ली की नजर पास ही के लॉकर रूम पर पड़ती है। चार्ली उस ब्लैक होल के द्वारा उस लॉकर रूम को खोल देता है और लॉकर रूम के अंदर रखे तिजोरी के पास चला जाता है। अब चार्ली उस ब्लैक होल को तिजोरी के पास लगाता है, तिजोरी के अंदर रखे पैसों को अपने हाथ डालकर निकालने लगता है। चार्ली तिजोरी से काफी पैसे निकालता है लेकिन तिजोरी के उस साइड जहां तक चार्ली के हाथ नहीं जाते हैं उस बचे हुए पैसे को निकालने के लिए चार्ली बिना कुछ सोचे समझे खुद को उस ब्लैक होल के द्वारा उस तिजोरी के अंदर चला जाता है। लेकिन चार्ली के तिजोरी के अंदर घुसते ही वह ब्लैक होल उस तिजोरी से अलग हटकर गिर जाता है जिससे कि चार्ली अब हमेशा के लिए उस तिजोरी में कैद हो जाता है। और इसी के साथ यह शॉर्ट मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों यह मूवी आप लोगों को कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए।